नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चर्चा है तो एक बात की, उस बात की है कि आखिर अब्बास अंसारी की पत्नी को कैसे गिरफ्तार किया गया, यानी कि निकहत अंसारी को कैसे मुख्तार अंसारी परिवार पर एक और बार शिकंजा कसा गया। दरअसल खबर यह है कि चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक प्राइवेट कमरा मिला हुआ था जहां वो अपनी पत्नी के साथ एकांत में 3-4 घंटे बिताया करते थे, ऐसा आरोप है। और इस आरोपों के बाद निकहत अंसारी को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा, उनके साथ मोबाइल और कुछ गहने बरामद किए, कुछ नकदी बरामद किए और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इन सब के बीच चर्चा में वापस से आ चुका है अंसारी परिवार, क्योंकि इन आरोपों के बीच अंसारी परिवार अपने बहू के साथ खड़ा है और ये आरोप लगा रहा है कि एक बार फिर से उनके साथ साजिश की गई है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आखिर ये अंसारी परिवार कितना बड़ा है और कितना राजनैतिक तौर पर सक्रिय है, या कहें कि बाहुबली है राजनैतिक तौर पर, ये हम आपको बताएंगे। आपने मुख्तार अंसारी का नाम तो सुना होगा, लेकिन हम आपको शुरू से बताएंगे कि आखिर ये परिवार कैसे है और अभी फिलहाल कितने राजनेता इस परिवार में। तो सबसे पहले आते हैं सुभान अंसारी, जो पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, मतलब पूर्व नगर पालिका चेयरमैन है, मोहम्मदाबाद गाजीपुर के हैं। इन्हीं सुभान अंसारी की 3 बेटे हैं। इन 3 बेटों का नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले बेटे हैं शिबकतुल्ला अंसारी, जो 2 बार विधायक रहे हैं मोहम्मदाबाद से, आपने देखा होगा लंबी काठी के हैं। अभी जब अखिलेश यादव गाजीपुर गए थे तो मंच पर उनके साथ भी नजर आए थे, क्योंकि इनका जो अभी परिवार है वो समाजवादी पार्टी के करीब नजर आता है। दूसरे बेटे हैं अफजाल अंसारी, जो फिलहाल गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद है, जिन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हराया था। ये 5 बार विधायक रहे मोहम्मदाबाद सीट से और 2 बार सांसद गाजीपुर से रहे हैं। अभी फिलहाल भी सांसद हैं और बसपा से हैं, ये बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। बाकी लोग समाजवादी पार्टी में, ये फिलहाल अभी बहुजन समाजवादी पार्टी में और उसके ही सांसद हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं मुख्तार अंसारी, जिनको सब जानते हैं, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। वो मुख्तार अंसारी वो 5 बार विधायक रहे हैं मऊ सदर सीट से, जहां पूरा अंसारी परिवार गाजीपुर जिले में अपना एक तरीके से वर्चस्व चलाता है, तो मऊ में वर्चस्व चलाते हैं मुख्तार अंसारी और उनके बेटे। मुख्तार अंसारी भी फिलहाल जेल में बंद है और उनको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार काफ़ी सक्रिय दिखती है। उन्हें किस तरीके से पंजाब के रोपर जेल से लाया गया, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे और वो अदावत जो योगी और मुख्तार अंसारी की रही है, वो तमाम चर्चा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उनके परिवार की, तो आपको परिवार के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिबकतुल्ला अंसारी के परिवार की। तो शिबकतुल्ला अंसारी के 2 बेटे हैं, शोएब अंसारी उर्फ मन्नू। शोएब अंसारी उर्फ मन्नू पहली बार विधायक बने हैं, आपने देखा होगा। वो अपने आप में एक, वो अंसारी परिवार में एक सबसे ही सीधे साधे आदमी माने जाते हैं, मन्नू अंसारी। इस बार वो मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं, उन्होंने अपने चाचा और पिता की जो सीट है उस पर दिया गया। ये माना जा रहा है कि विरासत जो है वो ट्रांसफर की गई है और मन्नू अंसारी फिलहाल विधायक हैं। एक बात के लिए और चर्चा में रहे हैं, दरअसल इनके गनर से बंदूक छीनने की खबर आई थी, बाद में उसमें कई मामलों में खुलासे हुए, लेकिन ये अभी विधायक हैं। दूसरे शिबकतुल्ला के दूसरे बेटे का नाम है सलमान अंसारी, जो बिजनेसमैन है, जो फिलहाल राजनीति से दूर है। वहीं हम बात करें अफजाल अंसारी की, तो अफजाल अंसारी की 3 बेटियां हैं, तीनों राजनीति से दूर हैं। एक की शादी हो चुकी है और 2 दिल्ली में पढ़ाई करती है। अब आते हैं मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। सबसे पहले बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक हैं, जो फिलहाल चर्चा में है। अब्बास अंसारी उस वक्त भी चर्चा में आए थे जब वो बयान देते हुए नजर आए थे मंचों से कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो बता दिया जाएगा। वो तमाम वीडियोस वायरल हुए थे, आपने देखा होगा, नहीं है देखा है तो यूपी तक पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। और वो अभी सुभाषपा से विधायक है, यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट से वो मऊ सदर से विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी से नहीं है। गठबंधन में चुनाव लड़े थे राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कह चुके हैं कि वो उनके पार्टी से तो भले लड़े हैं लेकिन समाजवादी पार्टी कहने पर उनको टिकट दिया गया था। लेकिन अगर आप ऑफिशियली तौर पर देखें तो ओम प्रकाश राजभर के ये विधायक हैं और ये माना जाता है कि राजभर का जो अंसारी परिवार के साथ संबंध है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। अगले बेटे का क्या नाम है, 2 बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, दूसरे बेटे का नाम है उमर अंसारी। उमर अंसारी दरअसल में बिजनेसमैन है, सामाजिक काम भी करते हैं। इनकी मुख्य भूमिका अभी फिलहाल अंसारी परिवार में ये है कि जब मऊ सीट से उनके पिता और भाई नहीं है तब वो इस सीट को देखते हैं, यानी वो एक प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, साथ ही साथ अपने पिता और भाई के केसों की पैरवी भी करते हैं, क्योंकि उनके पिता और भाई दोनों जेल में बंद हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कसा और जिस तरीके से उनकी बहू पकड़ी गई है, उसके बाद से प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जेल के अंदर ये कैसे हुआ। फिलहाल कुछ अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है।
इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आपको यूपी तक देखते रहना, और साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि खबर आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।